बिनम काशिफ, आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड आईफोन 12 प्रो मोबाइल फोन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस मोबाइल फोन को पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है और अदर कंट्रीज में भी इस मोबाइल फोन को लॉन्च कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि ये मोबाइल फोन ना तो मेरे लिए है, ना ही आप सभी यूज़र के लिए है, क्योंकि इस मोबाइल फोन की जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा इस मोबाइल फोन की प्राइस होने वाली है। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसकी प्राइस पाकिस्तान में क्या होने वाली है। तो ये जो मोबाइल फोन है, ये स्पेशल जो करोड़पति लोग हैं उनके लिए, जो जिनकी यानी कि जायदाद काफ़ी ज़्यादा है, जो करोड़ों के मालिक हैं और वो खरबों के जो मालिक हैं, उनके लिए ही ये डिवाइस बनाई गई है, ना कि हम लोग आम लोगों के लिए ये डिवाइस बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो इस डिवाइस की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इस डिवाइस की प्राइस होने वाली है। तो देखने में भी ये डिवाइस काफ़ी अच्छी है, पूरी तरह गोल्ड है ये, और इसका जो डब्बा है, पैकिंग है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है, और साथ में आपको एक वारंटी कार्ड भी दिया जाता है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा और इतना महंगा मोबाइल फ़ोन है तो साथ में आपको वारंटी कार्ड भी यहाँ पर दिया जाता है। तो मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, जिस तरह से आईफोन 12 प्रो मैक्स है बिल्कुल उसी तरह से ही ये मोबाइल फ़ोन है, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ ये है कि ये गोल्ड का बना हुआ है और आईफोन 12 प्रो मैक्स है वो गोल्ड का नहीं बना हुआ, सिर्फ यही चीज़ यहाँ पर जो है वो मेन है कि ये सारा का सारा गोल्ड है, जो आईफोन 12 प्रो है वो गोल्ड नहीं है, सिर्फ ये एक फ़र्क है। बाकी जिस तरह से आप आईफोन 12 प्रो को यूज़ करते हैं सेम उसी तरह से आप उन्हें जो है वो इस गोल्ड आईफोन 12 प्रो को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस है, पाकिस्तान में इसकी प्राइस होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि इतना महंगा मोबाइल फ़ोन आई डोंट नो कि हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर ये मोबाइल फ़ोन एक बार नीचे गिर गया तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको एप्पल ने थोड़ा सा मजबूत बनाया कि अगर गलती से ये मोबाइल फ़ोन नीचे गिर भी जाता है तो यहाँ पर इसको जो है वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये मोबाइल फ़ोन हमारे लिए नहीं है, बल्कि जो करोड़ों के मालिक हैं और वो खरबों के जो मालिक हैं उनके लिए ये मोबाइल फ़ोन बनाया गया है, जो करोड़ों के मालिक हैं और उनकी जेब में ही ये मोबाइल फ़ोन अच्छा लगता है, बल्कि हमारी जेब में ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अगर हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी आ भी जाए तो हमें डर लगेगा कि हम इस मोबाइल फ़ोन को बाहर ना लेकर जाएँ, सिर्फ अपने घर पर ही इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते रहें। अगर हम इस मोबाइल फ़ोन को बाहर जाकर यूज़ करेंगे तो पता ही आपको क्या हो जाएगा। तो लोग तो पहले ही इतने भूखे हैं तो डर लगता है कि हम जो है वो अगर इस मोबाइल फ़ोन को बाहर ले जाकर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऑलरेडी पहले जो है वो हम ये बात कर लेते हैं कि हाँ, हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन आएगा तभी है ना, जब हमारे पास ये आएगा ही नहीं तो हम इसको बाहर कैसे ले जाएंगे। तो भाई, इसकी जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा इसकी प्राइस है, दिखने में खूबसूरत है, अच्छे मोबाइल फ़ोन है, लेकिन क्या करें, आईफोन 12 प्रो मैक्स है ना जो, उसको ख़रीदने के लिए आपको अपनी दोनों किडनियों को जो है वो बेचना पड़ेगा, तब जाकर आप आईफोन 12 प्रो को ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन है ये आईफोन 12 प्रो से भी ऊपर जा चुका है, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का ये मोबाइल फ़ोन है। इतनी तो हमारी खुद की जायदाद नहीं है जितना महंगा ये मोबाइल फ़ोन बना दे। तो हम इस मोबाइल फ़ोन को भाई किस तरह से कैसे ख़रीद सकते हैं, तो आपकी इस मोबाइल फ़ोन के बारे में क्या राय है नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप में से कोई ऐसा है जिसने इस मोबाइल फ़ोन को यानी कि पर्सनली देखा है, पर्सनली यूज़ किया है, किसी और के हाथों में देखा है, किसी और को यूज़ करते हुए इस मोबाइल फ़ोन को देखा है। तो अगर आप में से कोई ऐसा यूज़र है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर कोई ऐसा यूज़र है जो इस मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, तो वह भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई नई वीडियो जैसे ही अपलोड होंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो से फायदा उठा सकेंगे। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।